ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान शान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग की तहसील अहमदपुर सियाल की यूनियन कौंसल गुदारा के चक वन टवार में। यहाँ का हसीन खूबसूरत जवान 16 साल मोहम्मद आकिब रजा, जो एक साल पहले खूबसूरत हसीन ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद जब इसको अस्पताल ले गए तो रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि आकिब रजा तो ब्लड कैंसर के मरीज़ हो चुके हैं। उसके बाद इनके वालदैन ने पाकिस्तान का कोई अस्पताल नहीं जहां अपने बेटे को इलाज के लिए नहीं लेके गए। इन्होंने मुख्तलिफ हस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन अब बात की जाए इनके माली हालात की तो माली सूरत हाल कुछ इस तरह है कि आकिब रजा के वालिद जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करने के बाद जो है वो एक अपनी बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, साथ अपने छोटे बेटे को पढ़ा रहे हैं और एक बेटा जो है इनका वो दर्जियों का काम करता है। हालात कुछ इस तरह थे कि चंद माह पहले आकिब रजा के इलाज के लिए एक रुपया नहीं था, इन्होंने एक घर की छत जो है वो बेच कर अपने बेटे का इलाज किया। इस वक्त सूरत हाल क्या है, आकिब रजा जो है वो बिस्तरे मर्ग पे हैं, हसीन जवान जो है इस वक्त बिस्तरे मर्ग पे है और वालदैन पर क्या कर्ब गुजर रहा है वालदैन से जानते हैं। आकिब रजा के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करती हैं। अंकल जी बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज करवाया? असि जी फैसलाबाद इलाज कराया, उतों रेफर किया जी लाहौर शौकत खान अस्पताल जी, साड़ी अप्रोच कोई नहीं जी, उतों की इस्लामाबाद का किया ने उतों की अप्रोच कोई नहीं जी, मुल्तान करेंदे रहे उन्होंने उतों का लिखा जी साड़ी अप्रोच नहीं है जी, असि हूँ उतों फैसलाबाद के जान जोगे ही नहीं रह गए जी। कितना अरसा हो गया आकिब नूं बीमार होया? इनू जी साल हो गया, तो हूँ असि तो 4 महीने हो गए ला के भजे हाँ, सानू अगे पता ही पहले नहीं चला, हूँ पता चला तो 4 महीने हो गए। लोगों की इमदाद नाल बैरां पिरावां की इमदाद नाल चलदे आ, साडे कोल तां हाई कोई चीज़ नहीं जी, ना साडी फरोच आई, हूँ असि थक गए जी। कितना खर्चा हो गया तुहाडा? साडा खर्चा हो गया जी 3-4 लाख रुपया हो गया जी पिरावां की इमदाद नाल। अच्छा, मतलब 1 लाख रुपया तुसीं ला चुके हो, फिलहाल उहदा इलाज चल रहा है जी? है हाँ जी। तो उन्होंने आखिया जी उत्थे जाओ तुहाडा इलाज उत्थे हो सी, 20-25 लाख रुपया जिहड़ा तुहाडा इलाज होना है तां बच्चा ठीक होना जी। इस लाहौर वाले का जी 10-12 लाख का उन्हें आखिया भी इतना चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो तुहाडा इलाज उत्थे होना तां बच्चा ठीक होना जी, साडी अप्रोच कोई नहीं जी, ना असीं जा सकते हैं जी। जी अपील कर रहा जी वड्डे लोगों नूं, जिहड़े वड्डे लोग हैं जी उन्हें अगे अपील कर रहा जी कोई इमदाद करें साडी जी, कोई बच्चे का इलाज होवे साडी पहुँच कोई नहीं जी, जो उन्होंने इमदाद हो तो असं इनका इलाज कर सकते हैं जी। आकिब के कुछ पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के आगे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इन गरीबों के हाल पर रहम करम के इनके रहम और किए जाए और इन गरीबों के हालात देखे जाएँ। इनके पास इतने पैसे नहीं कि ये बेचारे इस गरीब अपने एक नौजवान मासूम बेटे का इलाज मुआवजा करा सकें। हमारी आपके आगे हाथ जोड़कर अपील है कि इनका नोटिस लिया जाए और इनके बेटे का इलाज करवाया जाए कि ये इतने गरीब लोग हैं कि इनके घर में इस टाइम इतनी कफालत है कि ये रात के खाने के लिए पता नहीं कितने बेताब हैं। सानू ते साडे बच्चे वास्ते इलाज होया जावे, असीं गरीब बंदे नहीं कर सकने हैं, नहीं किदां जा सकने हैं, जो ही हो सा बेटा ठीक हो साड़ी तो यही गुजारिश है ना जी। बिल्कुल आसीन, आपने गुफ्तगू सुनी वालदैन की, एक तरफ हसीन बेटा जवान जो है वो बिस्तरे मर्ग पर है तो दूसरी तरफ बालक जो है वो मेहनत मजदूरी कर अपने बेटे के इलाज के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। वालिद का कहना है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और वही मेहनत मजदूरी के पैसे अपने बेटे पर लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ घर की छत जो है वो बेचकर अपने बेटे का इलाज किया। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जनाब डीपीओ जंग, डीसी जंग और इनके साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश है और मुख़य्यर हज़रात से कि मेरे बेटे का इलाज करवाया जाए ताकि हम अपने हसीन बेटे को
खुशी मुस्कुराता देख सकें। अपने मेज़बान ज़ीशान अल्बानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।